हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ग्रिड व्यू कंट्रोल के बारे में और जानेंगे कि प्रोडक्ट वाला जो पेज है वहाँ पे हम ग्रिड व्यू कैसे लगाएंगे। सो गाइस, स्वागत है आप सभी का। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले अभी जो प्रीवियस वीडियो अभी खत्म हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था कि कैटेगरी के लिए आपको किस तरीके से ग्रिड व्यू यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैंने भी कोड नहीं किया था, कोई भी कोड टाइप नहीं किया था, बस सिंपली हमने क्या एक ग्रिड व्यू लिया था और एक एसक्यूएल डेटा सोर्स लिया था, दोनों को बाइंड किया डायनेमिकली, ठीक है, और फिर वो आपका अपना काम वो करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हो चुकी हैं, एडिट अपडेट हो ही रहा है, इंसर्ट भी हो रहा है। अब हम लौटेंगे अपने प्रोडक्ट वाले पेज पे। तो आ जाते हैं प्रोडक्ट वाले पेज पे। अब यहाँ पर ये इंसर्ट का सारा चीज़ यहाँ पे सिस्टम बना हुआ है। अब यहीं पर बटन के नीचे हम एक ग्रिड व्यू डाल देंगे और वहाँ पे हम काम करेंगे। बट उससे पहले इस वीडियो में जैसे कि मैंने बता रखा था कि मैं आपको बताऊँगा ग्रिड व्यू के बारे में, ऑल अबाउट ग्रिड व्यू, क्या है ग्रिड व्यू, कैसे ये काम करता है, क्या क्या इसमें चीज़ें हैं, क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है, सारी चीज़ों पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। हो सकता है कुछ इक्का दुक्का चीज़ें अगर रह जाएँ तो मैं उसे कोशिश करूंगा कि आने वाले वीडियोस में मैं उसे कवर कर दूंगा। ठीक है, तो अभी बहुत कुछ करना है, अभी बहुत कुछ सीखना है। तो डेफिनेटली अगर आप इस पूरे सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो तो आपने अब तक काफ़ी कुछ सीख लिया होगा। और अगर आपने इस वीडियो को देख के, इस पूरी सीरीज़ को देख के अगर कुछ सीखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, और इसे शेयर भी कर देना वीडियो को। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक छोटा सा नोट्स मैंने तैयार किया है आप सबके लिए, तो यहाँ पर हाजिर है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ग्रिड व्यू है क्या, क्या है ये ग्रिड व्यू। देखो, ग्रिड और व्यू, ग्रिड व्यू में क्या होता है, हम एक टेबल के फॉर्मेट में, मतलब जिसमें रो और कॉलम होते हैं, इस फॉर्मेट में हम डेटा डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, डेटा तो डिस्प्ले करते हैं, साथ ही साथ हम क्या करते हैं, उसमें हमें बहुत सारे इवेंट मिल जाते हैं, बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि आप डेटा को अपडेट करना, डिलीट करना, सेलेक्शन, शॉर्टिंग, पेजिंग, ठीक है, सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं एक कंट्रोल में। तो डेफिनेटली आपका आधा काम तो इसी कंट्रोल से हो जाता है। ओके, तो अब इसके बारे में हम और कुछ चीज़ें जानते हैं। तो सबसे पहले अगर एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ ग्रिड व्यू, तो आप क्या कह सकते हो कि भाई ग्रिड व्यू जो है वो तो सबसे पहले ASP.NET जो है आपकी प्रोग्रामिंग ASP.NET उसका एक कंट्रोल है, जहाँ पे आप रिकॉर्ड को टेबल के फॉर्मेट में, आप टेबुलर फॉर्मेट में आप डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है, एडिट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, शॉर्टिंग, पेजिंग, इस तरह के काम कर सकते हो। और ये बहुत ही पावरफुल है, वो तो है ही भाई, बहुत ही पावरफुल है। पावरफुल है किस क्यों क्यों है, क्योंकि भाई इसमें हमें कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। फास्टेड भी है, पावरफुल भी है और फीचरफुल भी है। ठीक है, हमें बिना कोड, बस सिर्फ बटन से क्लिक करते जाओ, आपका काम होता जाएगा। उसके बाद इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, ASP.NET पे जब हम कोई वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो हम इसे वहाँ पे यूज़ करते हैं। ओके, जब ग्रिड व्यू कंट्रोल होता है, इस कंट्रोल में एक डेटा सोर्स कंट्रोल होता है, हैज़ टू बी अटैच, जिसको हम अटैच करते हैं ग्रिड व्यू कंट्रोल से। ठीक है, अब हम डेटा सोर्स जो कंट्रोल है इसको ग्रिड व्यू से क्यों अटैच करते हैं। बेसिकली जो आपका डेटा सोर्स होता है ना, डेटा सोर्स को हम डेटा बेस से बाइंड कर देते हैं। अब जो सारा रिकॉर्ड डेटा सोर्स में आएगा और जो रिकॉर्ड डेटा सोर्स में अवेलेबल होगा, उसी डेटा सोर्स को हम ग्रिड व्यू से अटैच कर देंगे, तो वो डेटा आपके ग्रिड व्यू में चला जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। तो डेटा सोर्स इंटरमीडिएट होता है डेटा बेस और ग्रिड व्यू के बीच में काम करता है ये। अब यहाँ पर जो आपका ग्रिड व्यू होता है, इस ग्रिड व्यू का देखो एक और नया नाम है, जब आप विंडो एप्लीकेशन फॉर्म बनाओगे तो वहाँ पे इसको बोलते हैं डेटा ग्रिड व्यू, और जब आप वेब एप्लीकेशन फॉर्म बनाओगे तो सेम चीज़ यहाँ पर कहलाएगा ग्रिड व्यू। ओके, अब देखो यहाँ पे ग्रिड व्यू की एक प्रॉपर्टी होती है, नाम क्या है, डेटा सोर्स ID, और यहाँ पे आपको जो आपका डेटा सोर्स होगा उसका नाम मेंशन करना होगा। अब आप कहेंगे डेटा सोर्स क्या है, डेटा सोर्स की बात करूँ तो हर वो चीज़ जहाँ पे कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड होगा वो आपका डेटा सोर्स होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि XML एरे बनाते हैं आप, एरे में कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, तो वो भी एज अ डेटा सोर्स काम कर सकता है। आपका डेटा बेस, ठीक है, ऑब्जेक्ट, तो ये सब सारी चीज़ें एज अ डेटा सोर्स काम करेंगी। ठीक है, तो ग्रिड व्यू में जो आपका डेटा सोर्स ID होगा, यहाँ पर आपको एक डेटा सोर्स का नाम देना होगा। ठीक है, अब डेटा सोर्स क्या करता है, इसकी हेल्प से आप पेजिंग, शॉर्टिंग और अदर डेटाबेस रिलेटेड ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो। अब यहाँ पे जो हमारा SQL सर्वर डेटाबेस है, अगर आप ASP.NET प्रोग्रामिंग अगर आप बना रहे हो तो कोई वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो, तो यहाँ पर आप जाहिर सी बात है कि आप SQL सर्वर डेटाबेस यूज़ करोगे। मैंडेटरी नहीं है बट ज़्यादातर लोग यही यूज़ करते हैं। ठीक है, रीज़न क्या है यूज़ करने का रीज़न क्या है कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो तो दोनों डेटाबेस और विजुअल स्टूडियो दोनों सेम जो आपके कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट उसके बनाए हुए प्रोडक्ट हैं,
तो दोनों फैमिली प्रोडक्ट है आप ये कह सकते हैं, और दोनों एक दूसरे के लिए आसानी से कम्युनिकेशन मतलब विजुअल स्टूडियो के हेल्प से आप डेटाबेस को आसानी से कनेक्ट कर सकते हो, उस पर ईजिली इंटरेक्ट कर सकते हो। ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन, मस्त कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब आप चाहो तो MySQL भी यूज़ कर सकते हो, उसके भी ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं SQL सर्वर डेटाबेस, तो उसके लिए हमारे पास ASP.NET में एक कंट्रोल आपको मिलता है, उसका नाम क्या है, SQL डेटा सोर्स, ओके। तो इस SQL डेटा सोर्स को हम क्या करेंगे, ग्रिड व्यू के साथ अटैच कर देंगे, ओके। ताकि जो सारा रिकॉर्ड होगा SQL सर्वर डेटाबेस में, वो रिकॉर्ड हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस डेटाबेस को हम SQL सर्वर डेटा सोर्स के साथ बाइंड कर देंगे, एंड देन ग्रिड व्यू को ये हम अटैच कर देंगे, इसे ट्रांसफ़र कर देंगे, ओके। अब यहाँ पे जो SQL सर्वर जो आपका SQL डेटा सोर्स है, इसका क्या काम होता है, देखो SQL डेटा सोर्स में पहली चीज़ इसमें क्या होता है कि आपका कनेक्शन स्ट्रिंग का कोड होता है, पहली चीज़ कि कौन सा डेटाबेस है, क्या नाम है वेंडर का, ठीक है, और हम कौन से टेबल को यूज़ करने वाले हैं, क्या कमांड होगा, सारी चीज़ें। अब यहाँ पे पहला चीज़ तो कनेक्शन स्ट्रिंग आपका आ जाएगा, दूसरा आएगा आपका कमांड। तो यहाँ पे कमांड बहुत सारे होते हैं, एक इंसर्ट का, अपडेट का, डिलीट का, सेलेक्ट का, सर्च का, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें। तो ये सारी ये कुछ कमांड यहाँ पे, कमांड की प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको मिल जाती है। अब यहाँ पे जो कनेक्शन स्ट्रिंग होता है, इसमें आपको पता ही है कि डेटाबेस से रिलेटेड जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो उसमें होते हैं, एंड जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे कि सेलेक्ट कमांड, इंसर्ट कमांड, अपडेट कमांड, डिलीट कमांड, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, इसमें सीक्वल क्वेरी होती है, स्टेटमेंट होते हैं दैट आर एग्जीक्यूट व्हेन वी डिस्प्लेइंग या इंसर्टिंग अपडेटिंग रिकॉर्ड यूजिंग ग्रिड व्यू, ओके। आगे चलेंगे, इसमें आपके सामने एक फॉर्म, एक डिज़ाइन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वेब फॉर्म है, ये एक वेब फॉर्म है, आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों तरफ बॉर्डर लगे हुए हैं। इस वेब फॉर्म के अंदर एक वेब पेज है, इसके अंदर हमने लिया है ग्रिड व्यू कंट्रोल, और उसके बाद हमने लिया है एक डेटा सोर्स, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ग्रिड व्यू कंट्रोल यहाँ पर है, फिर बाद में है डेटा डेटा सोर्स कंट्रोल। अब ये जो डेटा सोर्स कंट्रोल है, इस डेटा सोर्स कंट्रोल को हमने क्या किया है, डेटाबेस SQL डेटाबेस के हमने कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद कनेक्ट के बाद यहाँ पे सेलेक्ट इनेबल है, इंसर्ट इनेबल है, अपडेट इनेबल है और डिलीट इनेबल है, ये सारी चीज़ें इनेबल है इसमें। अब इसी SQL डेटा सोर्स को हमने ग्रिड व्यू के साथ अटैच कर दिया, यहाँ भी सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट ये सारी चीज़ें इनेबल है। तो ये एक ग्राफिकल आप कह सकते हैं डायग्राम है कि कैसे ग्रिड व्यू, SQL डेटा सोर्स और डेटाबेस ये तीनों काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आई होप कि आपकी जो क्वेरी होगी वो सॉल्व हो गई होगी कि कैसे ये काम करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इस पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो फील्ड होते हैं ग्रिड व्यू कंट्रोल के, उसके बारे में, ठीक है, यूजिंग फील्ड विद द ग्रिड व्यू कंट्रोल। अब जो आपके ग्रिड व्यू कंट्रोल होते हैं, ये बेसिकली आपके HTML पेज पर रेंडर करते हैं, टेबल के फॉर्मेट में जो भी रिकॉर्ड होता है उसको डिस्प्ले करते हैं रो एंड कॉलम में। तो जब हम ग्रिड व्यू कंट्रोल को हम रेंडर करते हैं रो और कॉलम फॉर्मेट में ऑटोमेटिकली, तो यहाँ पर कुछ इसके फॉर्मेटिंग हैं जो आपको नज़र आते हैं। तो वो कैसे होंगे, जैसे कि अगर आपको ऑटोमेटिकली कोई एक ऑटो फॉर्मेट सेलेक्ट करना है तो वो आपको स्मार्ट टैग पे दिख जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपको मिल जाते हैं कि आप चाहे तो ग्रिड व्यू पे देखो, आप चाहे तो ग्रिड व्यू में किसी भी कॉलम के अंदर कोई भी आप कंट्रोल यूज़ कर सकते हो, उसके लिए भी आपको एक फील्ड की ज़रूरत पड़ेगी, बटन यूज़ करना है तो उसके लिए भी आपको एक फील्ड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें पड़ेंगी। इन सब सारी चीज़ों को अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। अब देखो मैं आपको बता दूँ, जो फील्ड होते हैं ग्रिड व्यू में, जो फील्ड होते हैं वो कुछ कॉमनली जो फील्ड है मैं उनके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। पहला जो फील्ड है जिसे हम क्या बोलते हैं, बाउंडेड फील्ड, ओके, बाउंडेड फील्ड। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर हम यहाँ पर आ जाते हैं, ये जो मैंने कैटेगरी के लिए अभी फॉर्म बनाया है, इस फॉर्म में आप आओ, ये हमारा ग्रिड व्यू है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, इसका एक प्रॉपर्टी होता है ऑटो जनरेटेड कॉलम फॉल्स। अगर आप ऑटो जनरेटेड कॉलम्स को फॉल्स कर दोगे तो होगा क्या, ऑटोमेटिकली कॉलम कैसे जनरेट होगा, नहीं जनरेट होगा। और अगर आप इसे ट्रू कर दोगे तो आप ऑटोमेटिकली कॉलम को जनरेट कर पाओगे, ओके। तो ये तरीका हो गया। आगे चलेंगे इसमें। अब ये बाउंडेड फील्ड होता है, इसमें क्या 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 होता है इसका बेसिकली काम, इसकी हेल्प से आप इनेबल कर सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हैं वैल्यू ऑफ ए डेटा आइटम इन अ डेटा सोर्स एज अ टेक्स्ट। और इसमें आपको क्या मिलते हैं, इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग प्रॉपर्टी मिल जाते हैं, जैसे कि शॉर्टिंग मिल जाता है, हेडर टेक्स्ट मिल जाता है चेंज करने के लिए, ओके, ये सब सारी चीज़ें। उसका दूसरा आता है बटन फील्ड। बटन फील्ड क्या होता है, इनेबल अस टू डिस्प्ले अ बटन और द वैल्यू ऑफ ए डेटा आइटम एज अ बटन, ठीक है। तो अगर आपको ग्रिड व्यू में बटन ऐड करना है तो आपको ये वाला फील्ड ऐड करना होगा। उसके बाद अगर आपको चेक बॉक्स ऐड करना पड़ेगा तो आपके लिए चेक बॉक्स फील्ड आप ऐड करोगे।
कमांड फील्ड अगर आप ऐड करना चाहते हैं, व्हाट इज द कमांड फील्ड? कमांड फील्ड की हेल्प से सेलेक्ट, एडिट, डिलीट, अपडेट और कैंसिल बटन जो आपको दिखते हैं वो इन्हीं की हेल्प से दिखते हैं, कमांड फील्ड की हेल्प से। अगर आपको हाइपरलिंक चाहिए तो आपको ये फील्ड आपको यूज करना है, इमेज चाहिए तो आपको इमेज फील्ड यूज करना है। अब बात करते हैं टेम्पलेट फील्ड की, व्हाट इज द टेम्पलेट फील्ड? अगर आपको कस्टमाइजेशन करना है, आप चाहते हैं खुद आप इंसर्ट करेंगे कॉलम, खुद आप इंसर्ट करेंगे टेक्स्ट बॉक्स, खुद आप इंसर्ट करेंगे बटन, देन यू यूज सिंपली टेम्पलेट फील्ड। ओके, यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपीयरेंस ऑफ योर डेटा आइटम्स को। ओके, आगे हम चलेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं अब एडिंग ए बाउंडेड फील्ड इन अ ग्रिड व्यू कंट्रोल। कैसे आपको बाउंडेड फील्ड ग्रिड व्यू कंट्रोल में यूज करना है? ओके, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि डिस्प्ले कॉलम इन अ ग्रिड व्यू कंट्रोल वी हैव टू सेट द ऑटो जनरेटेड कॉलम्स प्रॉपर्टी टू फॉल्स। डिस्प्ले कॉलम, बात समझ रहे हो, यानी कि जो आपका ये जो टेबल है, इस बार हम प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं तो हम चलेंगे प्रोडक्ट पे। ये हमारा प्रोडक्ट वाला टेबल है, इस टेबल में आप देख सकते हैं ये सारे कॉलम हैं। अगर आपको इन सारे कॉलम को डिस्प्ले करना है तो सिंपली क्या करेंगे, ऑटो जनरेटेड कॉलम्स को फॉल्स कर देंगे एंड डिफाइन करेंगे अ बाउंडेड फील्ड। और तब हम क्या यूज़ करेंगे, बाउंडेड फील्ड। अगर आप बाउंडेड फील्ड यूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपका जो ऑटो जनरेटेड कॉलम्स प्रॉपर्टी है वो फॉल्स होगा। ठीक है, अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट है बाउंडेड फील्ड ऑब्जेक्ट फॉर इच कॉलम टू बी डिस्प्ले इन द ग्रिड व्यू, कब करेगा, जब ये ऑटो जनरेटेड कॉलम फॉल्स होगा। ओके, यूजिंग बाउंडेड फील्ड वी कैन कस्टमाइज द हेडर टेक्स्ट। अगर आप बाउंडेड फील्ड यूज़ कर रहे हो तो आप दो ही काम कर सकते हो, पहला आप हेडर टेक्स्ट को कस्टमाइज कर सकते हो, दूसरा आप उसमें डेटा का फॉर्मेटिंग कर सकते हो, और एक और चीज़ है तीसरा, डेटा की शॉर्टिंग आप कर सकते हो। ठीक है, कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ अभी। ओके, तो ये आप देख सकते हो मैंने क्या यूज़ किया, बाउंडेड फील्ड यूज़ कर रखा है तो ऑटो जनरेटेड कॉलम फॉल्स है, यहाँ पे फर्स्ट क्लास है। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, जो मैं बता रहा था आपको कस्टमाइजेशन क्या है, यहाँ पे जो डेटाबेस में जो आपने टेबल बना रखा है, टेबल में जो आपने कॉलम क्रिएट किया है उस कॉलम का नाम है आईडी, पर अगर आप इस आईडी वाले कॉलम का हेडर टेक्स्ट आप चेंज कर सकते हो यूजिंग हेडर टेक्स्ट प्रॉपर्टी, और यहाँ पर आप अपना मनचाहा टेक्स्ट आप दे सकते हो। पहली चीज़ ये हो गई। एक प्रॉपर्टी क्या होती है, आपको इसे इसका इसे विजिबल करना है या नहीं करना है, तो आप एक विजिबल प्रॉपर्टी होती है, ट्रू या फॉल्स करेंगे तो विजिबल होगा नहीं होगा। दूसरा है रीड ओनली, एक ये भी प्रॉपर्टी है। तीसरा है शॉर्ट एक्सप्रेशन, आप इसको शॉर्ट कर सकते हो, मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर सकते हो। और चौथा क्या है, चौथा है डेटा फॉर्मेटिंग। डेटा फॉर्मेटिंग मतलब ये तब हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई जैसे कि डेट होता है, तो डेट में क्या होता है कई सारे फॉर्मेट होते हैं, पहले मंथ आएगा फिर डे आएगा फिर ईयर आएगा, या फिर जो इंडिया में चलता है पहले डेट फिर मंथ फिर ईयर, तो यहाँ पे डेटा की फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, आगे बढ़ेंगे इसमें। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि ASP, हम बाउंडेड फील्ड यूज़ कैसे करते हैं, उसके लिए हम लिखते हैं ये टैग लगाते हैं, उसमें लिखेंगे ASP कॉलोन बाउंडेड फील्ड फिर टैग यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट जो है प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई दिया है। डेटा फील्ड, डेटा फील्ड में क्या होता है, बेसिकली डेटा फील्ड में क्या होता है कि ये जो बाउंडेड फील्ड है, यहाँ पर ये जो पहला बाउंडेड फील्ड है, इस बाउंडेड फील्ड में हम टेबल के कौन से कॉलम की वैल्यू हम डिस्प्ले करेंगे, कौन से कॉलम की वैल्यू, तो वहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी होगी डेटा फील्ड, और यहाँ पर आप जो भी कॉलम का नाम मेंशन करेंगे उस कॉलम की वैल्यू यहाँ पे शो होगी। ठीक है, आप चाहो तो इस चीज़ को ऊपर नीचे कर सकते हो, जिग जैग, जैसे कि मैंने कहा कि पहले मुझे कैटेगरी दिखा दो तो कैटेगरी को ऊपर ले जाओ, फिर जो आईडी है उसे नीचे आप डिस्प्ले कर दो, तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो जो भी कॉलम का नाम, जो भी कॉलम का नाम आप यहाँ पे दोगे उसका डेटा आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ओके, तो ये हम कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कर रहा है, स्पेसिफाई द नेम ऑफ द फील्ड दैट बाउंडेड द डिस्प्ले, मतलब वो कौन सी फील्ड है जिसको आप क्या डिस्प्ले करना चाहते हो इस बाउंडेड फील्ड में, आपको उसका नाम देना है। दूसरा हेडर टेक्स्ट बताई दिया। डेटा फॉर्मेटिंग, जब आपको कुछ फॉर्मेट करना होता है डेटा को, ठीक है, जैसे कि अगर प्राइस होगा तो प्राइस को आप फॉर्मेटिंग करेंगे उसमें, कि डेसिमल में करेंगे आप उसे। ओके, और डेट वगैरह होगा, ये सब सारी चीज़ें आगे चलेंगे। इसमें कुछ और प्रॉपर्टी हैं बाउंडेड फील्ड की, जैसे कि फुटर स्टाइल आता है, ठीक है, तो इनेबल फुटर कॉलम फॉर्मेटिंग, फुटर स्टाइल हो गया, फुटर टेक्स्ट हो गया, हेडर टेक्स्ट हो गया, हेडर स्टाइल हो गया, ठीक है, आइटम स्टाइल हो गया, तो ये सब सारी चीज़ें भी इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल है, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, अभी हम इस पर काम तो कर ही चुके हैं इस पर हम। अब यहाँ पे देखो क्या है कि एक बाउंडेड फील्ड है, डेटा फील्ड इन्होंने दे रखा है, मान लो एक टेबल है जिसका अकाउंट कोड अकाउंट नंबर वो दे रखा है यहाँ पे,
और यहाँ पर क्या है आइटम स्टाइल फॉन्ट अगर आपको लगाना है तो क्या यूज़ करेंगे हम, आइटम स्टाइल टैग जो प्रॉपर्टी है ये यूज़ करेंगे, फिर जो भी आपको फॉन्ट का साइज़ देना है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ओके, उसी तरीके से यहाँ पे क्या है फुटर स्टाइल अगर आप देना चाहते हो तो क्या लिखना है आपको, इस बाउंडेड फील्ड के अंदर आपको क्या दिखना है फुटर टेक्स्ट। अब यहाँ पर आप फुटर टेक्स्ट दे सकते हो, इंटर फुटर टेक्स्ट। फिर फुटर टेक्स्ट स्टाइल में आप एक कोई भी CSS लगाना चाहते हो आप वो लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैंने फिर से एक बाउंडेड फील्ड ऐड किया है और यहाँ पे हेडर टेक्स्ट किया है डिस्क्रिप्शन। तो इस तरीके से आप इस पर काम कर सकते हैं। ओके, आगे चलेंगे इसमें हम और भी कुछ चीज़ें जानेंगे। ये सब सारी चीज़ें आई होप कि आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है जो लोग बिगिनर हैं तो उनके लिए काफ़ी काम की चीज़ें हैं। तो इन सब में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं, ठीक है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर हम काम करने वाले हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं जो हमारा बटन फील्ड है वो हम कैसे ऐड करेंगे ग्रिड व्यू में। तो भाई बटन फील्ड क्या होता है, बाउंडेड फील्ड के बाद हम क्या यूज़ करते हैं, बटन फील्ड एलिमेंट टू ऐड डिटेल बटन इन अ रो। आपको किसी भी रो में अगर आपको कोई बटन ऐड करना है ग्रिड व्यू के तो आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं बटन फील्ड की हेल्प से। द एलिमेंट डिस्प्ले द ग्रिड बटन एज अ लिंक या एज अ बटन या एज अ इमेज बटन। ओके, व्हेन वी क्लिक ऑन द डिटेल बटन द ग्रिड व्यू कंट्रोल रो कमांड इवेंट इज राइज। तो जैसे ही आप डिटेल बटन पर क्लिक करोगे तो ग्रिड व्यू का जो रो कमांड इवेंट होगा वो फायर होगा। ओके, अब एक एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हम यहाँ पे ये जो हमारा पेज है प्रोडक्ट पेज पे हम चलेंगे, आएंगे प्रोडक्ट पेज पे, यहाँ पे हम लेने वाले हैं। ओके, यहाँ पर आ जाते हैं इसके जस्ट बाहर, एक और लगाएंगे बीआर टैग, ठीक है। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लेंगे, मैंने आपको हमेशा की तरह बता रखा है कि हमें एजेक्स कंट्रोल तो लेना ही लेना है मेरे भाई, स्क्रिप्ट मैनेजर ले लो। इसके अंदर क्या लेना है, अपडेट पैनल, अपडेट पैनल। अब अपडेट पैनल के बाद अंदर आपको क्या लेना है, आपको लेना है कंटेंट टेम्पलेट, एक मिनट, ठीक है, कंटेंट टेम्पलेट आपको लेना है। इस कंटेंट टेम्पलेट के अंदर आपको लेना है ग्रिड व्यू। तो हम चलेंगे डेटा सेक्शन में, यहाँ से हम लेंगे एक ग्रिड व्यू। ओके, तो मैंने एक ग्रिड व्यू यहाँ से ले रखा है, ये आप देख सकते हो। जब मैंने ग्रिड व्यू ले लिया, अब इस ग्रिड व्यू में हमें क्या करना है, एक बार अगर मैं आपको डिज़ाइन दिखाऊं, इसको मैं सेव कर लेता हूं, इसको मैंने सेव कर लिया। अभी क्या करेंगे, तो प्रोडक्ट है और यहां पर आपका ये ग्रिड व्यू, ठीक है। अब हम चाहते हैं, अभी देखो यहां पर सिर्फ कॉलम दिख रहे हैं आपको, इसमें कोई भी क्या नहीं है, बटन नहीं है। अगर इसमें मुझे बटन ऐड करना होगा तो यूजिंग दिस थ्योरी यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको आपके पास जो ऑटो जनरेटेड प्रॉपर्टी है आपको इसे फॉल्स करना होगा, ठीक है। तो ऑटो जनरेटेड प्रॉपर्टी फॉल्स करना होगा, क्यों करना होगा, क्योंकि हम यहाँ पे बाउंडेड फिल तो यूज़ नहीं कर रहे हैं ना, कर रहे हैं क्या, कर तो रहे हैं मेरे भाई। यहाँ पे देखो बाउंडेड फिल इन्होंने यूज़ किया, तभी क्या कर रखा है ऑटो जनरेटेड कॉलम्स को फॉल्स कर रखा है। ओके, तो हम भी कुछ ऐसे ही करेंगे, तो ये होगा कैसे, देखो क्या करना है आपको, आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर हम आ गए। तो अब देखो ग्रिड व्यू की प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी क्या, इसे इंटर क्लिक, यहाँ पर इंटर क्लिक करो, पहली प्रॉपर्टी ऑटो जनरेटेड कॉलम फॉल्स, पहली चीज़। इसके बाद इसमें एक डेटा की होगा ना, डेटा की नेम, और आपका जो आईडी वाला कॉलम है मेरे ख्याल से उसको हम बनाएंगे डेटा की नेम। तो पी कोड है, ओके, पी कोड, व्हाट इज दिस, दिस इज पी कोड फर्स्ट क्लास, इसको मैंने सेव कर लिया। ये दो चीज़ यही है, तो आपका प्राइमरी की है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया भाई प्राइमरी की हमारा ये है। ओके, अब जरा सा ये एग्जांपल फॉलो करो आप, यहाँ पे एग्जांपल में मेंशन है सारी चीज़ें, ठीक है। अब डेटा की क्या होगा, वो वाला कॉलम जो आपका प्राइमरी की होगा, डेटा की नेम, ओके। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, ऑटो जनरेटेड एडिट बटन। अगर आपको एडिट बटन जनरेट करना है तो आप कर सकते हो। फिर कह रहा है कि ऑटो जनरेटेड डिलीट बटन, अगर आपको जनरेट करना है तो ट्रू करना है वो हो जाएगा, तो ये मैं नहीं कर रहा, मैं करूँगा। एक हमारे पास एक इवेंट होता है रो कमांड इवेंट, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये मैं कॉपी करता हूँ रो कमांड इवेंट, और इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आके यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया रो कमांड इवेंट। व्हाट इज द रो कमांड इवेंट, ये एक क्या है, रो कमांड इवेंट है, इसका कोई भी एक नाम दे देते हैं ये। तो जब आप ग्रिड व्यू के किसी भी रो पे आप क्लिक करोगे ना, तो ये कमांड फायर होगा, जब ये इवेंट फायर होगा, बेसिकली जब ये इवेंट फायर होगा तो इस इवेंट में जो भी आप कोड करोगे तो वो टास्क परफॉर्म करेगा। वो ये कैसे करेगा मैं आपको बताता हूँ, अभी हम इसे सेव कर लेते हैं। जरा सा डिज़ाइन व्यू पे चलेंगे, तो डिज़ाइन व्यू पे अभी भी कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ है। हम क्या ऐड करने वाले हैं, हमने बोला कि हम नया बटन ऐड करेंगे, तो कॉलम पे आएंगे। बटन ऐड करने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, कॉलम ऐड करना पड़ेगा, तो हमने लिखा कॉलम। क्यों कॉलम, क्योंकि जो ये हमारा कॉलम है, कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2, अब एक आएगा कॉलम 3 जहाँ पे होंगे बटन, ठीक है।
तो ये मैंने कॉलम्स लिख दिए। अब कॉलम में क्या करना है आपको, बटन ऐड करना है। बटन ऐड करने के लिए आप क्या यूज करोगे, टेम्पलेट फील्ड आप यूज करोगे। टेम्पलेट फील्ड ले लिया मैंने, टेम्पलेट फील्ड। ओके एग्जाम्पल में चलेंगे। एग्जाम्पल में भाई ने क्या ले रखा है, एग्जाम्पल ने इन्होंने क्या ले रखा है, इन्होंने ले रखा है बाउंडेड फील्ड ले रखा है। हमने क्या लिया, हमने लिया टेम्पलेट फील्ड। अब ये जो आप देख रहे हो ना बटन, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने इसे कॉपी कर लिया। अब अगर मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, इसको सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो कुछ एरर दिखा रहा है, एक बार डिज़ाइन व्यू पे आइए, अगर एरर होगा तो यहाँ पे एरर आपको दिख रहा है। क्या दिख रहा है, कह रहा है कि सिस्टम डॉट वेब डॉट यू आई वेब कंट्रोल टेम्पलेट फील्ड डज नॉट हैव अ पब्लिक प्रॉपर्टी नेम बटन फील्ड। बटन फील्ड यहाँ पे काम नहीं करता, यहाँ पे क्या काम करता है, इसको आप डिलीट करो। चलेंगे टूल बॉक्स में, यहाँ से अगर हम कोई बटन ले लें तो क्या काम करेगा, इसको सेव कर लेते हैं। डिज़ाइन पे गए, अभी भी ये वर्क नहीं कर रहा है। ओके तो क्या इसके अंदर कुछ और हमें देना पड़ेगा, इसमें आएंगे, एडिट टेम्पलेट है, फुटर है, हेडर है और आइटम स्टाइल है, अल्टरनेटिव टेम्पलेट है। ओके तो यहाँ पर देखो एरर आ रही है। आप जब अगर ये यूज़ कर लोगे तो यहाँ पे एरर आ रही है, तो हम इस चीज़ से कैसे कैसे निकलेंगे। तो इस चीज़ से निकलने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से हम जो टेम्पलेट फील्ड यूज़ कर रहे हैं, ये टेम्पलेट फील्ड हम नहीं यूज़ करेंगे। हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे बाउंडेड फील्ड। हमने यूज़ किया बाउंडेड फील्ड। ओके यहाँ पर आ जाते हैं, हम क्या यूज़ करेंगे, बाउंडेड फील्ड। अब आपको क्या करना है, यहाँ से हम एक कॉपी करेंगे। देखो एक को मैंने किया कॉपी, ये मैंने कॉपी कर लिया, इसको हम ला के यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। तो इसकी जगह पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया। एक बार चलेंगे हम अपने टेबल में, टेबल में पहला कॉलम क्या है, पी कोड, दूसरा बार कोड। ओके तो हम क्या करते हैं, ये है आपका, अब यहाँ पर ये क्या होगा, ये होगा आपका पी कोड। एक मिनट, कंट्रोल जेड, ठीक है, ये आपको करना है, यहाँ पर लिखना है पी कोड। हेडर टेक्स्ट में क्या देंगे आप, यहाँ पर आपको देना है, यहाँ पर मैं देता हूँ प्रोडक्ट कोड, हो गया। अब आप इसको कॉपी करो, 2 3 4 5 6 7, परफेक्ट। दूसरे कॉलम की बात करते हैं, तो ये है हमारा, इसको डिज़ाइन व्यू में ओपन करेंगे। ओके यहाँ पर आते हैं, ये कॉपी किया, ये क्या है हमारा बार कोड, ठीक है। तीसरा क्या है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, कॉपी किया और इसको आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट ब्रांड आईडी, इसको कॉपी किया, यहाँ पर आएंगे पेस्ट कर दिया ब्रांड आईडी। यहाँ पे चलेंगे कैटेगरी आईडी, कॉपी किया, यहाँ पर आएंगे और ये पेस्ट कर दिया कैटेगरी आईडी। उसके बाद प्राइस, ये मैंने कॉपी किया, उसके बाद यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, प्राइस को पेस्ट कर दिया। फिर टेबल से अगला जो है कॉलम क्वांटिटी, इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पर आएंगे, ये मैंने इसे पेस्ट कर दिया क्वांटिटी। अब क्या रह गया, क्वांटिटी के बाद रीऑर्डर, ये मैंने कॉपी कर लिया रीऑर्डर। ओके यहाँ पर आ जाते हैं, नीचे आएंगे, क्या लिखना है आपको, बाउंडेड फील्ड। फिर क्या देना है, डेटा फील्ड इक्वल टू कोटेशन के अंदर आपको ये दे देना है। इसके बाद आपको यहाँ से हेडर टेक्स्ट जो है कॉपी करके पेस्ट कर देना है परफेक्टली, ठीक है। प्रोडक्ट कोड हो गया, अब यहाँ पर क्या देना है आपको, देना है बार कोड। यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है, बकायदा आप हेडर टेक्स्ट आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ब्रांड आईडी, अब आपको यहाँ पे देना पड़ेगा ब्रांड आईडी। फिर कैटेगरी आईडी, ओके प्राइस आ जाएंगे, तो प्रोडक्ट प्राइस आप दे सकते हैं, या फिर सिंपली आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, प्राइस। क्वांटिटी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर रीऑर्डर, प्रोडक्ट रीऑर्डर, ठीक है। ये कॉलम है, ये कॉलम आपके टेबल में है, जिस टेबल से हम रिकॉर्ड लेके आके डिस्प्ले करने वाले हैं, ठीक है, ये प्रोडक्ट टेबल से। अब जरा सा हम चलेंगे यहाँ पे इसके डिज़ाइन व्यू में, इस सारी चीज़ों को हमने सेव कर लिया। ये हम कॉलम ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं, कॉलम। तो आपको क्या देना है, पहले आपको कॉलम नाम का टैग लगाना है, उसके बाद जो जो कॉलम आपको डिस्प्ले करने हैं ना, कहाँ पे डिस्प्ले करने हैं, मैंने कहा बाउंडेड फील्ड ले लेते हैं, सबसे आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि जैसे ही हम एडिट पे क्लिक करेंगे ना, ऑटोमेटिकली वो टेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, डिज़ाइन व्यू पे आ जाते हैं। तो देखो भाई, ये बाउंडेड फील्ड मैंने ले रखा है,
तो आ गया प्रोडक्ट कोड, बार कोड, प्रोडक्ट प्राइस, ये वो दुनिया भर की सारी चीज़ें आपको डिस्प्ले हो रही हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम अपने इस वीडियो में। तो देखो ये एग्जांपल समझ में आ रहा है, ये हमने कॉलम क्यों लिया और उसके अंदर हमने क्या क्यों लिया, ये बाउंडेड फिल क्यों लिया। अब देखो बाउंडेड फिल से तो बाउंडेड फिल बन गया जो भी कॉलम आप डिस्प्ले करना चाहते हो। अब अगर मुझे बटन चाहिए तो मैं क्या लूँगा, मैं लूँगा बटन। तो बटन के लिए मैं क्या करूँगा, ये मैंने कॉपी कर लिया। बटन के लिए मैंने क्या बताया था आपको, मुझे लेना है बटन फील्ड। तो आप चाहे तो यहाँ पे सिंपली लिखोगे ये रहा बटन फील्ड। ठीक है, इस तरीके से आप बटन फील्ड ले सकते हो। तो इससे तो जो मैंने कॉपी किया है ये हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, दिस इज़ बटन फील्ड। इसमें क्या लिखा, बटन टाइप क्या होगा, बटन होगा। टेक्स्ट में क्या देना चाहते हो, टेक्स्ट में आप कुछ भी दे सकते हो। टेक्स्ट में क्या देना है, अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट कर दो। ठीक है, अपडेट करना है या एडिट करना है तो ऐसा कुछ दे देते हैं, मैंने कहा एडिट। ठीक है, ये दे दिया, या फिर हम क्या कर देते हैं डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे दे दिया मैंने डिलीट। क्या करना है डिलीट। अब कमांड नेम क्या दे देते हैं, कमांड नेम दे देते हैं यहाँ पे CMD डिलीट। कुछ भी कमांड नेम आप दे सकते हैं, यूज़र डिफाइंड कमांड नेम हमने दे दिया CMD डिलीट। ओके, बटन का टेक्स्ट क्या है, डिलीट है, ये मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अब ज़रा सा चलेंगे डिज़ाइन व्यू पे। डिज़ाइन व्यू पे जब हम आएंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, आपको एक यहाँ पे बटन मिल रहा है, आप देख सकते हैं एक बटन कंट्रोल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है जिसका नाम क्या है, डिलीट बटन। ओके, अच्छा अगर आप इस पेज को रन करोगे अगर, तो क्या दिखाई देगा आपको, एक बार हम इसे रन करते हैं। अभी देखो यहाँ पे एरर क्यों आया आपको पता है, क्योंकि ये एक इवेंट है, ये एक आपका इवेंट है, ये इवेंट आपने जनरेट किया नहीं है ऑन रो कमांड। तो ये इवेंट आपको जनरेट करना पड़ेगा। इस इवेंट को जनरेट कैसे करेंगे, ग्रिड व्यू सेलेक्ट कर लो, प्रॉपर्टी में चलेंगे, इवेंट सेक्शन में आएंगे, रो कमांड यहाँ पे डबल क्लिक करना है। जैसे आप इस पर डबल क्लिक करोगे ना, इसका इवेंट जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पेज पे इसका इवेंट जनरेट हो चुका है। जब ये इवेंट जनरेट हो चुका है, अब हम इस पेज को करेंगे रिफ्रेश। ओके, तो ये पेज यहाँ पे सक्सेसफुली आ गया है, रन हो रहा है। आप प्रोडक्ट पे आओगे तो प्रोडक्ट पे आ गए, नीचे ग्रिड व्यू तो है बट ग्रिड व्यू में क्या डिस्प्ले तो कुछ करना है ही नहीं ना हमें, हमने कोई रिकॉर्ड तो अभी हमने उसमें डेटा नहीं पास कर रहे हैं, अभी तो बस हमने सिर्फ उसे बनाया हुआ है। ठीक है, ये बटन तब शो होगा जब उसमें रिकॉर्ड जाएगा। आगे चलेंगे इसमें और चीज़ों को समझते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है कि SQL डेटा सोर्स इसको चाहिए, अगर आप ये दे दोगे तो फिर आपका काम हो जाएगा। तो चलो हम क्या करते हैं, हम एक SQL डेटा सोर्स भी ऐड कर लेते हैं। तो क्या करना है आपको, डिज़ाइन भी सोर्स में आ जाते हैं, यहाँ पे इसी कंटेंट प्लेस होल्डर के अंदर हम क्या करेंगे, एक SQL डेटा सोर्स हम ले लेते हैं। ले लिया SQL डेटा सोर्स, डिज़ाइन व्यू पे आ जाते हैं, तो ये मेरा SQL डेटा सोर्स। फिर उसी तरीके से इसे कॉन्फ़िगर करेंगे, यहाँ से हम ऑलरेडी कनेक्शन बना चुके हैं तो वो कनेक्शन हम ऐड कर लेंगे। टेबल जो है हमारा वो प्रोडक्ट है, टेबल सेलेक्ट कर लिया, सारे कॉलम सेलेक्ट कर लिए। एडवांस पे आएंगे, आपको इंसर्ट अपडेट डिलीट भी करना है, ओके पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिनिश पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट क्लास, इसको आप सेव कर लो। सेव करने के बाद इस पेज को आपको करना है रिफ्रेश 1 2 3। ओ माय गॉड, कितनी बार ये साइन आउट होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले लॉगिन करते हैं 1 2 3 4 5। लॉगिन, प्रोडक्ट पे आ गए, प्रोडक्ट पे आ गए, ये क्या हुआ, आए हाय हाय हाय, अभी तो हमने SQL डेटा सोर्स को बाइंड किया ना मेरे भाई, अब इस SQL डेटा सोर्स को किसको देना है, ग्रिड व्यू को देना है। तो यहाँ पर आएंगे और चूज डेटा सोर्स में हम ये ले लेंगे, क्या कह रहा है, रिफ्रेश फील्ड एंड की ऑफ ग्रिड व्यू, वुड यू लाइक टू जनरेट द ग्रिड व्यू कॉलम फील्ड एंड डेटा की यूजिंग द सेलेक्टेड डेटा सोर्स स्कीमा, वार्निंग दिस विल डिलीट ऑल एग्जिस्टिंग कॉलम फील्ड। तो कह रहा है कि जो हम जब आपने सेलेक्ट किया तो या तो हम ऑटोमेटिकली जनरेट करें, आपने जो कोड अभी लिखा है उसको डिलीट कर दें, या फिर आप ही का कोड चलने दें। मैंने कहा रहन दो भाई, मैंने जो किया है वही रहने दो। तो मैंने नो पे क्लिक कर दिया, मैंने कहा नहीं, मैंने ऑलरेडी कोड लिख रखे हैं तो क्यों आप मेहनत करोगे फालतू का। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश किया तो जो मैंने कोड लिखे थे ना, आप देख सकते हो प्रोडक्ट कोड में प्रोडक्ट कोड दिख रहा है, बार कोड में ये दिख रहा है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, ब्रांड आईडी क्या है वो दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये ज़ीरो क्यों था ना, क्योंकि उस टाइम पे मैंने ज़ीरो दिया था, इस वजह से ये ज़ीरो था। ठीक है, इसको ध्यान से टेबल में ही ज़ीरो है, इस वजह से यहाँ पे ज़ीरो शो हो रहा है। ठीक है, प्राइस है यहाँ पे, क्वांटिटी आपकी यहाँ पे दिख रही है, और ये क्या है, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट रीऑर्डर। अब यहाँ पर जो मैंने बटन दिए थे डिलीट बटन, ये आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। अब इसे वो हम कैसे करेंगे, आगे चलते हैं इसमें।
ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई। अब यहाँ पर ये इंसर्ट अपडेट मैंने आपको बता रखा है प्रीवियस वीडियो, अगर आपने देख रखा होगा तो वहाँ से आप इसे कर सकते हैं। आप यहाँ पर स्मार्ट टैग पर क्लिक करोगे, ये सारे ऑप्शन अवेलेबल है, आप इसे चेक कर दोगे, आपका सारा काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम रो कमांड की। ये क्या इवेंट है? वी कैन एक्सेस द वैल्यू ऑफ ए सेल यूजिंग डेटा की प्रॉपर्टी ऑफ ग्रिड व्यू कंट्रोल। ओके, कब? रो कमांड में। तो देखो यहाँ पर क्या एक इवेंट बना हुआ है, ग्रिड व्यू का जो रो कमांड इवेंट है, ये इस इवेंट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ग्रिड व्यू के किसी भी सेल को हम एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग डेटा की प्रॉपर्टी। अब हमें एक्सेस करना है, कैसे एक्सेस करना है, चलो मैं बताता हूँ। सपोज़ करो यहाँ पे देखो, ये आप देख सकते हो, अगर सपोज़ करो मुझे क्या चाहिए, मुझे बार कोड चाहिए, यहाँ पे ये बार कोड अगर मुझे चाहिए इस सेकेंड वाले कॉलम का, तो कैसे हम ले पाएंगे इसको? इसको लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लेने के लिए हम क्या करते हैं, एक मिनट, हम चलेंगे डेटा ग्रिड, यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर आ गए, हम क्या करते हैं, हम एक नया बटन हम यहाँ पर और यहाँ पर हम इंटर करेंगे, ठीक है। एक बटन हमने यहाँ पे दिया, इसका जो टेक्स्ट होगा ये क्या होगा, ये होगा आपका एडिट, बात समझ रहे हैं, एडिट हो जाएगा। और यहाँ पर हम क्या देंगे, सी एम डी एडिट, ऐसा कुछ, इसको मैंने सेव कर दिया। अब आप इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो अब आपको एक और बटन नज़र आएगा, जस्ट इसके बगल में दो बटन, परफेक्ट। चलो अब हम बात करते हैं हमारे ये जो इवेंट है ग्रिड व्यू रो कमांड इवेंट, इस इवेंट के बारे में, यानी कि ये इवेंट यहाँ पे जनरेट है, रो कमांड इवेंट, ठीक है। मैं यहाँ पर हूँ ग्रिड व्यू के रो कमांड इवेंट पे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें हमें चेक करना है, हमारे पास देखो आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो बटन है, एक डिलीट है और एक एडिट है, इन दोनों बटन में से कौन सा बटन क्लिक हुआ है। तो यहाँ पर हम सिंपली एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इफ क्लिक्ड, ओके, हम इसे सेव कर लेते हैं। इस सारे प्रोसेस को मैंने सेव कर लिया। सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, चलेंगे हम पेज पे आएंगे, इस पेज को करेंगे रिफ्रेश। अब आप देख सकते हैं जब आप एडिट बटन पर क्लिक करोगे,